एस्ट्रो वास्तु प्रेडिक्शंस 2024। एस्ट्रो वास्तु प्रेडिक्शंस हैं क्या, उसको समझने के लिए पहले हमें एस्ट्रो वास्तु को समझना पड़ेगा। अब एस्ट्रो और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से मिलके बना है, दोनों को कंबाइंड करके बनाया गया है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एस्ट्रो वास्तु क्यों रिक्वायर्ड है, केवल हम वास्तु पे वर्क क्यों नहीं कर रहे। वास्तु पे जब हम काम करते हैं तो एक फ्लोर, एक घर में अगर तीन भाई भी रह रहे हैं तो तीनों को अलग अलग फल मिल रहा है। एक बिल्डिंग में तीन चार फैमिलीज रह रही है, तीनों चारों को अलग अलग फल मिल रहा है, तो ये क्यों होता है? जबकि सबकी सेम एंट्री है, सबकी, अगर किसी की S6 की एंट्री है तो सबके साथ ही प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। किसी किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी के साथ कम प्रॉब्लम है। तो जब उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखे गए तो उसमें पता चला कि जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं वो राहु की दशा चल रही है उनकी, राहु की अंतर दशा चल रही है उनकी, और जिनका अच्छा चल रहा है उनकी किसी पॉजिटिव प्लैनेट की दशा चल रही है। तो होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपकी प्लैनेटरी पोजिशन होती है, जो दशाएं चलती हैं, अकॉर्डिंगली आपका जो वास्तु होता है उसमें आपको उसके फल मिलने लगते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें कंबाइंड होकर चलती हैं। कई बार आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बहुत स्ट्रांग है मगर आपने अपने घर के वास्तु में कुछ गलतियां कर रखी हैं जो आपको नहीं पता है, तो आपको उधर बेनिफिट्स मिलने कम हो जाते हैं। इसलिए दोनों को कंबाइंड करके काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। अब एस्ट्रो वास्तु प्रेडिक्शंस, अब एस्ट्रो वास्तु प्रेडिक्शंस क्या है? अब मान लीजिए किसी की पत्री में उसका सूर्य वीक है, तो हमने उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से उसको सूर्य की रेमेडीज दे दी। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो ईस्ट उसका वीक है और उसका घर में हम देखें तो हमें अगर उसके ईस्ट के डायरेक्शन में भी हम सूर्य को स्ट्रांग कर देते हैं तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और वास्तु दोनों से वो बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ से उसको बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो यही हम लेके आ रहे हैं। अब प्रेडिक्शंस में क्या है कि अब जैसे 2024 आ रहा है, 2024 में हर एक राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, सारी राशियों के लिए हम अलग अलग उनको कौन सी दिशाओं पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके जब हम 12 घर की बात करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जब हम 12 घर की बात करते हैं तो हर एक घर में एक डायरेक्शन भी होती है, तो वो कौन सा घर आपका इस साल में वीक हो रहा है, कहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो हम उस डायरेक्शन पे बात करेंगे, और कौन से घर से आप बेनिफिट ले सकते हो उसके लिए हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि वहां पर आप कुछ ऐसी रेमेडीज करो जिससे आपको बेनिफिट मिलेंगे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी और आपके वास्तु में भी। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, आपके लिए लेके आई हूँ 2024 की प्रेडिक्शन एज पर एस्ट्रो वास्तु। तो सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपके लिए मंगलमय हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आए और बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एस्ट्रो वास्तु सीरीज। तो एस्ट्रो वास्तु सीरीज क्या है, हम इसमें जो बात करेंगे हमारी, आपको कुछ नहीं करना, आपकी पत्रिका D1 चार्ट या आपकी लग्न कुंडली, इस तरह का एक आपका बना हुआ होगा, वो आपको लेना है, और उसमें 12 घर होते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 12 घर होते हैं, 1 से स्टार्ट करके 12 तक होता है। तो इन 12 घरों में सबसे पहले वाला घर, जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो पहला घर है उसमें जो राशि, जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ फॉलो करना है। जैसे एक नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बताऊंगी एक नंबर राशि मेष या एरीज, उसको आप फॉलो करोगे। तो ऐसे ही जब इसमें चेंज हो जाएगा तो आपका, जैसे आपका अगर एक नंबर इसके बाद यदि दो नंबर आ जाता है तो वो आपका वृषभ हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होते चले जाएंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी राशि फॉलो कर लेनी है। तो अब इसमें क्या है कि एक ये बहुत बड़ी लोगों को एक क्वेरी हो सकती है कि हमें, हम घर में तो 4-5 लोग रहते हैं मगर हमें किसका एस्ट्रो वास्तु चेक करना है, किसकी पत्री के अकॉर्डिंग ये रेमेडीज फॉलो करनी है। तो घर का, जिनके नाम से घर हो या जो घर का हेड ऑफ द फैमिली हो, उनके नाम से ये रेमेडीज आपको फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। एस्ट्रो वास्तु की सीरीज में नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है कैप्रिकॉन, मकर। अब जब हम मकर राशि की बात कर रहे हैं तो आपके D1 चार्ट में आपके
जब आप देख रहे हो कि पूरे 12 घर होते हैं, तो पहले घर में क्या नंबर लिखा हुआ है सिर्फ आप उसको फोकस करना है। जैसे कि मैंने पहले घर को हाईलाइट किया हुआ है, तो पहले घर में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। इसको मैंने बहुत इजी रखने के लिए लगन को राशि मान के प्रेडिक्शन तैयार किए आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि ये चंद्र राशि के हिसाब से है कि नाम की राशि के हिसाब से है, मंथ के हिसाब से, एनीथिंग। तो आपको सिर्फ अपने लगन को, अपने पहले घर को देखना है, उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। तो हम बात कर रहे हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर राशि की। तो मकर जब राशि की हम बात करते हैं तो ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अपने आप को खुद की मेहनत से बनाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। इनका सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सर्कल होता है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, अपने काम से काम रखना ज्यादा पसंद करते हैं, हसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए जरूर तैयार रहते हैं, मगर आप अपने काम पे ज्यादा फोकस रहते हो और मेहनत में बिलीव करते हो, मेहनत से भागते कभी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की, तो इनके लिए मेरे पास एक टिप है। अगर आपका लगन 10 नंबर है, आपकी राशि अगर मैं ये इसके हिसाब से आप मकर हो, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आप अपने लेबर क्लास, अपने से नीचे लोगों के साथ हमेशा अच्छे से बात कीजिए। आप अगर उनसे गलत तरीके से बात करोगे, गाली गलौज करोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अपने लेबर, अपनी जो आपकी हेल्प है, जो आपके लिए सुविधाएं लेके आ रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आपके ड्राइवर हैं, चाहे वो आपके सर्वेंट्स हैं, चाहे वो आपके लेबर है, सबके साथ आपको अच्छे से बात करना है, तो आपके जो शनि के बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते हैं। और अगर आप गलत तरीके से बात करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लेबर क्लास लोगों से आपको अच्छे से बात करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज 2024 की। मकर राशि वालों के लिए एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज क्या आ रही है? तो जब हम मकर राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो पहले बात कर लेते हैं आपकी बेनिफिट डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं इस साल के लिए। तो मकर राशि की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपकी इस साल बेनिफिट डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इस साल, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपके कोई वॉशरूम स्टेयर या आपका कोई किचन नहीं है, कोई हैवी आर्टिकल आपने वहां नहीं रखा हुआ है, तो इस साल आपका नया घर बनने के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। कोई नया वाहन आप खरीद सकते हो। और इसके साथ ही आपकी जो दूसरी बेनिफिट डायरेक्शन आ रही है वो है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की जब डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा की डायरेक्शन होती है, तो कोई भी चलती हुई चीज आप यहाँ लगाते हो तो बेनिफिट देती है। तो आपको इस साल 7 रनिंग हॉर्सेस व्हाइट, आपको जिसमें चंद्रमा की पिक्चर भी ऐड हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह की एक पेंटिंग आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगानी है बेनिफिट्स को क्रिएट करने के लिए। तो आपकी बेनिफिट डायरेक्शन हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, आपकी नॉर्थ वेस्ट, और तीसरी आएगी आपकी वेस्ट की डायरेक्शन। अगेन जब वेस्ट की डायरेक्शन है, शनि राशि, हम वेस्ट की डायरेक्शन को कैसे भूल सकते हैं, पूरा साल ही शनि का है इस बार, तो वेस्ट की डायरेक्शन पे तो फोकस होना ही चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने कोई क्लटर रखा हुआ है, जंक रखा हुआ है, तो उसको हटा दीजिए। वेस्ट की डायरेक्शन है आपकी गेंस की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन आपकी कूड़ा रखने की डायरेक्शन नहीं है, स्टोर रूम बनाने की डायरेक्शन नहीं है। ये जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है, इसको निकाल के अपने माइंड को क्लियर कीजिए। तो गेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका लॉकर हो सकता है, आपकी कोई वेस्ट की डायरेक्शन में कोई मैनिफेस्टेशन वॉल हो सकती है, जिसमें आपने कोई टारगेट सेट, कोई पिन पॉइंट आपका हो सकता है कि मेरे इस साल के ये टारगेट हैं। इसके अलावा आपके काम की ब्रांडिंग हो सकती है वेस्ट की डायरेक्शन में, आपकी खुद की सेटिंग वेस्ट की डायरेक्शन में हो सकती है बेनिफिट्स क्रिएट करने के लिए। तो वेस्ट की डायरेक्शन पर बहुत फोकस कीजिए। इसके साथ ही आपकी बेनिफिट डायरेक्शन तो हो गई आपका नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है? अब आपको ध्यान रखना है अपनी साउथ की डायरेक्शन में इस साल। तो साउथ की डायरेक्शन में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने कोई ब्लू कलर लगा रखा है स्पेशली साउथ की डायरेक्शन में, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आएगा। आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो मार्केट में पैसा है, आपकी लिक्विडिटी है, ये सब चीजें हैम्पर हो सकती हैं अगर आपने ब्लू कलर लगाया हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको अपने
सेंटर, आपके घर के सेंटर पे बहुत फोकस करना है इस साल। तो घर का सेंटर आपका खाली होना चाहिए, घर के सेंटर में आपके कोई बीम नहीं होना चाहिए, कोई किचन वॉशरूम नहीं होना चाहिए, और घर के सेंटर में एक लाइट जरूर होनी चाहिए, रोशनी हमेशा बनी रहनी चाहिए घर के सेंटर में, और घर के सेंटर में कोई गड्ढा या आपकी कोई स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान दीजिए, अगर हैं तो उनको ट्रीट करा लीजिए, अदरवाइज इस साल आपको प्रॉब्लम्स भुगतनी पड़ सकती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान दें, इसीलिए ये मैंने प्रेडिक्शंस आपके लिए 2024 की बनाई हैं, कि आप अपनी डायरेक्शंस में भी देखो कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, क्योंकि हमारा एस्ट्रो और वास्तु दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर मेरे एस्ट्रो चार्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो वास्तु के साथ साथ एक्टिवेट होके हमें बहुत प्रॉब्लम्स देती है, और वास्तु में हम कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं तो एस्ट्रो चार्ट अगर मेरा थोड़ा ठीक भी चल रहा हो तो उसके बेनिफिट हमें उतने नहीं मिलते। इसलिए हमें दोनों ही ट्रीट करने बहुत जरूरी हैं, हमारा एस्ट्रो भी और हमारा वास्तु भी। तो आपके लिए मकर राशि वालों के लिए जो ध्यान देना है, आपके लिए बेनिफिट डायरेक्शंस है, आपकी आपकी वेस्ट की डायरेक्शन, आपकी आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बेनिफिक है, आपके नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बेनिफिक है, और आपको ध्यान देना है अपने घर की साउथ की डायरेक्शन पे और अपने घर के सेंटर पे। तो मैं ईशा गोयल बिल्ड असनेवी दिशा में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, हम आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।